तो दोस्तों आज हो गया 15 मार्च 2023 यूपी समेत देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल सब्सक्राइब करते लाइक करते शेयर करते हैं ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच केंद्र जांच ब्यूरो या ईडी से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों के भर्ती घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट का चाबुक चल रहा है। अभी तक हाईकोर्ट इस मामले में 4800 नियुक्तियां रद्द कर चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को हाईकोर्ट से अपील की है। इसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द ना करे। इसके पीछे उन्होंने नियुक्तियां रद्द होने के बाद सामने आ रहे सुसाइड केसेस का हवाला दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपील करती हूं कि इस तरह से नियुक्तियों को रद्द ना किया जाए, ये राजनीति नहीं है। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित करने के स्पीकर के फैसले के बाद बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे नारेबाजी तोड़फोड़ की भेंट चढ़ गया। गुस्साए कांग्रेस विधायक विधानसभा सचिव की मेज पर चढ़ गए और उनका माइक तोड़ दिया। स्पीकर की और भी विधायकों ने किताब फेंकी। विधायकों ने कार्यसूची और प्रश्नोत्तर फाड़ कर स्पीकर की तरफ उछाले। निलंबन के फैसले के बाद भी कांग्रेस विधायक विधानसभा में डटकर हंगामा करते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जेड प्लस सुरक्षा कवर के बजाय अब उनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाएगा। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनकी सुरक्षा इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे और केंद्र की अग्निवीर योजना पर बात की थी। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के अलावा मेघालय और गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू और शॉर्ट फिल्म एलिफेंट पीप्स ने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर मंगलवार को पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र और संसद के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा हमलावर है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि दूसरे देश में भारत के खिलाफ बोलना सही नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारत का नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, वहीं राहुल गांधी दूसरे देश में जाकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, यही सही बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। वो बुधवार को दिल्ली स्थित CBI की विशेष अदालत में पेश होंगी। उनके साथ ही CBI की विशेष अदालत में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मीसा भारती को भी पेश होना है। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के कथित आरोपों को लेकर CBI ने मामला दर्ज किया है। इसी मामले में 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से करीब 3 घंटे तक CBI की टीम ने पूछताछ की थी। हैदराबाद के सांसद सऊदीन अवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर इसी सप्ताह शनिवार को पहुंच रहे हैं। सऊदीन अवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिले में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करेंगे। MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि सऊदीन अवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल में पदयात्रा करने के साथ ही साथ अमोर और किशनगंज में जनसभा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वो ये है कि सीमांचल का ये इलाका जिसकी लड़ाई MIM लड़ रही है, आज़ादी के 75 सालों से दिल्ली और पटने के ठगी का शिकार, इनकी हक मारी होती रही है, इनसे लोग वोट लेकर हुकूमत बनाते रहे हैं, सरकार बनाते रहे हैं, टैक्स लेकर दिल्ली और पटने को सजाते रहे हैं, लेकिन सबने वादा किया और हमको ठगने का काम किया। और हत्या कि जब हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद खड़े हो गए और अपने लोगों को जीत कर मैदान में लेकर आए तो हमारे लोगों को भी लोगों ने लूट लिया, डरा दिया, धमका दिया और खरीद लिया। गोया सीमांचल का था अदावत है पटना और दिल्ली में बैठे हुए लोगों की। जो लोग सीमांचल के लोगों को मजदूर और गुलाम बना के रखना चाहते हैं, इनको ऊपर उठने नहीं देना चाहते। इसकी बड़ी एक मिसाल ये है कि वो मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कुछ लोगों का तो विकास कर रहे हैं, बाकी लोगों का विनाश कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले सितंबर में अमित शाह जी यहाँ आए, केंद्र के दूसरे दर्जे के मंत्री वजीर आजम के बाद आए, और वो आकर यहाँ पार्टी के ही
एजेंडे पर सारी बातें की और उनके पार्टी का एजेंडा तोड़ो और राज करो और सीमांचल का विकास से कोई सरोकार नहीं, एक बात भी उन्होंने सीमांचल के ताल्लुक से नहीं की। मैं सवाल करना चाहता हूँ केंद्र के उस नेतृत्व से भी और केंद्र के उस नेतृत्व के यहाँ पर जो लोग वकालत कर रहे हैं उन लोगों से भी कि तुम किन के लिए काम कर रहे हो, सीमांचल से रिश्ता है या दिल्ली वालों से ही रिश्ता है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद अभी देखा पिछले महीने के 25 तारीख को महागठबंधन की रैली हुई। महागठबंधन की रैली से उम्मीद थी कि चूंकि ये माइनॉरिटी का इलाका है तो अमित शाह को चूंकि माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है तो वो नहीं कहा, लेकिन माइनॉरिटी के वोट पर जो राज कर रहे हैं शायद ये लोग कुछ सीमांचल के बारे में, सीमांचल के दलितों के बारे में, सीमांचल के माइनॉरिटी के बारे में, सीमांचल में नदियों के कटाव के बारे में, विस्थापितों के बारे में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख के बारे में, यहाँ पर पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच के ताल्लुक से, पूर्णिया में एयरपोर्ट की जमीन के ताल्लुक से, जो रेलवे लाइन जलालगढ़ से किशनगंज की प्रस्तावित रही है पिछले दिनों में उसके लाइन से बात करेंगे, लेकिन किसी के मुंह से एक जुमला नहीं निकला। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई, ताज्जुब उस वक्त हुआ जबकि वो तेजस्वी जी, जिस तेजस्वी जी ने यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में अपने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल विकास आयोग का गठन करूंगा, उनको भी ये जुमला दोहराने में हिम्मत नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त राजद अपने आप को सेकुलर कह रही है, नीतीश कुमार जी जो 20 साल 22 साल गले लगा कर रहे बीजेपी के साथ वो अब हम लोगों को बी टीम कहने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि ए टीम और बी टीम करके के लोगों को वर्गला कौन रहे हो, सीमांचल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ए टीम बी टीम को नहीं जानती है। घर घर में रेड कारपेट बिछाकर अगर आरएसएस के लोगों को किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम है जदयू, आपने ये काम किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो यादव जिसने हमारे लोगों को, ये राजद जिसने हमारे पार्टी को तोड़ा और जिसकी हुकूमत ही बनी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसको नीतीश कुमार का जी का जदयू से अलग होने के नतीजे में गवर्नर ने न्योता इसीलिए दिया कि मेरे लोगों को काट कर, मेरे लोगों को तोड़कर, सीमांचल के मैंडेट का अपमान करके आपने अपनी बड़ी पार्टी बनाई जिसकी वजह से आपको न्योता मिला और आपने सरकार बनाई, तो आपको तो कम से कम इस नमक का एहसास होना चाहिए कि जिस सीमांचल के लोगों के वजह से आपकी पार्टी बड़ी हुई और हुकूमत बनाई आपने उनके लिए भी जुमला नहीं बोला। इन्हीं तमाम तर जो भटका और बहकाव की राजनीति है, हमारे ठगने की और बार बार हमें लूटने की जो वो है कि हमारा वोट लेकर सरकार बनाएंगे ये, हमारा टैक्स लेकर ये दिल्ली और पटने को, राजगीर को, नालंदा को, गया को, जहानाबाद को सजाएंगे ये, तो हम भी इस बात के लिए हैं। बैरिस्टर सुन अवेशी साहब आ रहे हैं, हम लोगों की पुकार है, सीमांचल के जन जन करने की पुकार है कि जब भी इस इलाके की बात अगर किसी ने की, धारा 371 की बात अगर किसी ने की तो बैरिस्टर सुन अवेशी ने की, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर की तो बैरिस्टर अवेशी ने की, इस इलाके के मजदूरों के पलायन, लोगों के बेरोजगार और गरीब होने पर अगर किसी ने आवाज उठाई है तो बैरिस्टर सुन अवेशी ने उठाई है। ये